जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं राधाष्टमी कब है। पूजा की थाली में शामिल करें ये भोग, सभी मनोकामनाएं जल्द होगी पूरी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस खास तिथि पर श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है, साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा अष्टमी की पूजा थाली में विशेष भोग को शामिल करें। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से गणना की जाती है, अतः 11 सितंबर को राधाष्टमी मनाई जाएगी। इन चीज़ों को लगाएं भोग। राधाष्टमी के दिन राधा रानी को विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें और विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि पूजा की थाली में मालपुए शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोग मंत्र। राधा अष्टमी पर राधा रानी को भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मंत्र जप के बिना राधा रानी भोग को स्वीकार नहीं करती हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद लुभ्यमेव समर्पये गृहार सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।